हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एसटीडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारी खेती रहेगी गेहूं की खेती, मटर की खेती और चना की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षा में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है, तो गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है वो टिटकम एस्टिवम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का कुल तो गेमनी या पोएसी कुल से बिलोंग करता है। बात की जाए गुणसूत्र संख्या तो 2N बराबर 42 पाए जाते हैं। उत्पत्ति स्थान भारत है और गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है उत्पादन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोटी वाले गेहूं की बुआई कितने प्रतिशत क्षेत्र पर की जाती है, तो 87% क्षेत्रफल पर खेती की जाती है गेहूं वाली रोटी वाली गेहूं की बुआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं किस जलवायु का पौधा है, तो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के अंकुरण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ में कल्ले फूटते तथा वृद्धि विकास के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाना भरते समय तापमान होना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की सूजी या माइक्रोनिक वाले गेहूं की कितने क्षेत्रफल पर बुआई की जाती है, तो 12% क्षेत्रफल पर बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबलर से गेहूं की बुआई के लिए बीज दर होती है, तो 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड ड्रिल से बुआई के लिए बीज दर होनी चाहिए, तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर से बुआई करने के लिए बीज दर होनी चाहिए, तो 120 से 125 केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। समय से बुआई करने पर कितनी दूरी बुआई करते हैं, तो 20 से या 22.5 सेंटीमीटर पर बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर से बुआई करने पर कितनी दूरी पर बुआई करते हैं, तो 15 से 18 सेंटीमीटर पर बुआई करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं देसी जाति के लिए उर्वरक की मात्रा देनी चाहिए, तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटास देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत किस्मों के लिए उन्नत उर्वरक की मात्रा NPK होनी चाहिए, तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास देना चाहिए उन्नतशील किस्मों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, तो 20 से 25 दिन पर पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की दूसरी सिंचाई कब करते हैं, तो 40 से 45 दिन पर करते हैं, तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन पर करते हैं, चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में अंकुरण के पश्चात कौन सी जड़ें निकलती हैं, तो प्राथमिक जड़ें निकलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के फूल सहित तने को क्या कहते हैं, तो कलम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो स्पाइस या बाली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का फूल कैसा होता है, तो यह उभयलिंगी होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के फल को क्या कहते हैं, तो कैरियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं सा पौधा होता है, तो दीर्घ प्रदीप्तकालीन पौधा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के बीज उपचार किससे करते हैं? तो थीरम तथा एग्रोसन जीएन से इसका उपचार करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उपचार के लिए प्रति किग्रा दवा की कितनी मात्रा रखते हैं? तो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसकी मात्रा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का पीएच मान होना चाहिए? तो 5.5 से 7.5 होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के मामा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेरिस माइनर इसका वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूसा का नियंत्रण किस रसायन से किया जाता है? तो आइसोप्यूट्रान से किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो 2,4-D सोडियम साल्ट 80% का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ की फसलें में दाना में कितने प्रतिशत नमी होने पर कटाई कर लेनी चाहिए? तो 20% नमी होने पर इस गेहूँ की कटाई कर लेनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछेती किस्म बोने के कितने दिन बाद फसल पककर तैयार हो जाती है? तो 120 से 125 दिन पर पककर तैयार हो जाती है। बोनी किस्म फसल उत्पादन क्या होता है? तो 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसा उत्पादन प्राप्त होता है? तो 40 से 50 क्विंटल भूसा भी प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी भूरी गिरुई का प्रकोप किस तापमान पर अधिक होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस पर तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली गिरुई का प्रकोप किस तापमान पर अधिक होता है? तो 20 से 30 डिग्री तापमान पर इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट फसल है, चना की खेती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ चने का वैज्ञानिक नाम होता है? तो सीसर एराइटिनम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। कुल फावेसी कुल से बिलोंग करता है। गुणसूत्र, तो देसी चना जो होता है उसमें गुणसूत्र 2N = 14 होते हैं, तथा काबुली चना में 2N = 16.24 पाए जाते हैं। चने का उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो दक्षिण यूरोप तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया इसका माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चने की पत्तियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैलिक एसिड तथा ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। चने में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो 21% प्रोटीन पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चने के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान है? तो झांसी में सबसे ज़्यादा चना की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की बुआई समय से करने वाली प्रमुख किस्में हैं? तो पूसा 256, अवरोधी, सूर्या, सद्भावना, पंथ GN10, राधे, सम्राट, ये प्रमुख फसलें हैं जो चने की हैं और समय से बुआई करने के लिए ही बहुत ही उत्तम होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की विलंब से बुआई हेतु किस्में कौन सी हैं? तो सूर्या, पंथ, GN186, उदय, कल्चर चना 5, ये किस्में विलंब से बुआई करने के लिए ही बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की बुआई कब करते हैं? तो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चने की बुआई करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने के खेत में खरपतवार किस रसायन से नियंत्रित करते हैं? तो बेसालीन, 1 kg सक्रिय और 1000 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करने से इसका नियंत्रण हो जाता है चने की खरपतवार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की फसल में टॉपिंग या निपिंग कब करते हैं? तो पौधा 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है और 30 से 35 दिन पर ये कटाई कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः फसल कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? तो 150 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाती है। चने की उपज कितनी होती है? तो उन्नत किस्मों की उपज 25 से 30 क्विंटल होती है तथा काबुली चना की 12 से 15 क्विंटल उपज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने का भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर होने पर करते हैं? तो चने में भंडारण करते समय दाने में नमी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 10% होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की प्रमुख फसल में रोग कौन से लगते हैं? तो खट्टा, अंगमारी, झुलसा, गिरुई प्रमुख रोग हैं जो लगते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने का कंडुआ रोग का रोकथाम किस रसायन से करते हैं? तो 5% एट्रेंजिन एल्ड्रीन या 1.3% लिंडेन धूल 25-30 केजी प्रति हेक्टेयर की भूमि में मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुली चना की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो पूसा 267, पूसा चमत्कार, एल 550, प्रगति, सदाबहार पूसा 10-03, ये प्रमुख किस्में हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना की ऐसी कौन सी जात है जो उकठा तथा कलर वंट रोधी होती है? तो WCG2 ये सूर्या है जो उकठा के लिए अवरोधी होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चने की राधे किस्म पकने की अवधि व उत्पादन कितनी होती है? तो 150 से 155 दिन में पककर तैयार हो जाती तथा 25 से 30 क्विंटल इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ चना 186 किस्म कहां से विकसित की गई है? तो ये पंथनगर से विकसित की गई है। चना की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो दोमट तथा भारी दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की बीज दर क्या होती है? तो छोटे दाने वाली किस्म की बीज दर जो होती है वो 65 kg प्रति हेक्टेयर होती है। मध्यम दाने का जो 75 से 80 किलोग्राम होता है और बड़े दाने वाली किस्मों का 100 से 125 किलोग्राम चने की आवश्यकता होती है बीज की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg बीज को उपचारित करने के लिए दवा की आवश्यकता होती है? तो 2.5 ग्राम प्रति केजी दवा की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितने केजी बीज पर्याप्त होता है? तो उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है वो 10 kg बीज पर्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने फली वेदक कीट नियंत्रण किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो कार्बेल राइल 50% घुलनशील चूर्ण 2.5 kg की मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करने से फली वेदक कीट है वो नियंत्रित हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उत्पादन के लिए अन्य खेत की बीज की दूरी रखते हैं तो 100 मीटर रखते हैं। 1 हेक्टेयर से लगभग कितना बीज प्राप्त हो जाता है? तो 12 से 20 क्विंटल प्रमाणित बीज प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस मंडल में चना की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो झांसी मंडल में सर्वाधिक खेती की जाती है चना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फली वेदक कीट के नियंत्रण के लिए किस वायरस का प्रयोग किया जाता है? तो NPV रसायन का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट खेती है जो हमारी है मटर की खेती। मटर की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आगे हम कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर का वैज्ञानिक नाम है? तो पाइसम सेटाइवम होता है मटर का वैज्ञानिक नाम। गुणसूत्र संख्या होती है 2N=14। कुल फेवेसी, उत्पत्ति स्थान इथोपिया, इसका उत्पत्ति स्थान होता है मटर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर उत्पादन में क्षेत्रफल एवं कुल उत्पादन दोनों में किसका विश्व में प्रथम स्थान है? तो चीन का प्रथम स्थान है। भारत में लगभग कितने क्षेत्रफल में खेती की जाती है? तो 7.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खेती चना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मटर उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के सूखे दानों में
प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 22% प्रोटीन पाई जाती है। मटर में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो 1.8% वसा पाई जाती है। मटर में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 62% कार्बोहाइड्रेट मटर में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी मटर में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 7.2% प्रोटीन पाई जाती है। मटर किस जलवायु का पौधा है? तो अर्ध शुष्क एवं ठंडी जलवायु का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की खेती के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6.6 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा होती है? तो मटियार या दोमट मृदा सबसे सर्वोत्तम होती है। सब्जी वाली मटर की किस्मों के नाम लिखिए। तो अर्केल, अरली, पंथ उपहार, बोलविले, ये मटर की ऐसी प्रजातियां हैं जो सब्जी के लिए उगाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल वाली मटर की किस्मों के नाम लिखिए। तो रचना, स्वर्णरेखा, हंस, DMR11, PG3, BL1, पाइप 163, सपना, अलंकार, ये ऐसी प्रजातियां हैं मटर की जो दाल के लिए उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी वाली मटर की बीज दर कितनी होती है? तो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाने वाली मटर की बीज दर कितनी होती है? तो 75 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की बुआई करते समय अंतरण कितना रखते हैं? तो 30x5 सेंटीमीटर रखते हैं। पंथ से पंथ की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखते हैं। मटर की बुआई कब करते हैं? तो 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मटर की बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का नियंत्रण किससे की करते हैं? तो 3 kg सल्फेक्स दवा का प्रति हेक्टेयर छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर में रस्ट रोग किस फफूंदी के कारण लगता है? तो यूरोमाइसिजीन फेवी के रसायन से नहीं कवक के कारण फफूंदी के कारण ये रोग रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्ट का नियंत्रण किस रसायन से करते हैं? तो 2.5 kg इंडोफिल M45 को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इसका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की फसल में तना बेधक कीट का नियंत्रण किया जाता है? तो नुवाक्रॉन दवा से इसका नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के बीज का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किस बीज का बुआई करना चाहिए? तो आधारी बीज का बुआई करना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखते हैं? तो 100 मीटर पृथक्करण दूरी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुरोमित आसिता रोग का नियंत्रण किस रसायन से करते हैं? तो इंडोफिल M45 दवा 0.25% घोल का छिड़काव करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितना बीज उपचारित हो सकता है? तो 10 किलोग्राम बीज उपचारित हो सकता है। एक पैकेट में कितना राइजोबियम कल्चर पाया जाता है? तो 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की बुआई कितनी गहराई पर करते हैं? तो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर मटर की बुआई करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की फसल में NPK की कितनी मात्रा उपयोग करते हैं? तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास का
प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की खेती में खरपतवार किस रसायन से नियंत्रित करते हैं? तो बेसालीन 1 kg प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर फसल अंकुरण से पहले छिड़काव इसका करते हैं, जिससे मटर की फसल में खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर की हरी फलियों की पैदावार कितनी होती है? तो 80 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन हो जाता है। मटर की दाने का उत्पादन कितना होता है? तो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू किस फफूंदी के कारण होता है? तो एरीसाइफी पॉलीगोनी फफूंदी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।